एक ऐसी गायिका जिसके इर्द गिर्द विवाद रहे। कभी कभी ये भी कहा गया कि वो संगीतकार जो इनसे गाने गवाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि प्यार अंधा होता है, ये सही है, पर प्यार बहरा भी होता है, ये पहली बार सुना जा रहा है। इन सब के बावजूद इस गायिका ने अपना एक अलग मकाम बनाया, नाम शारदा। बात उस वक्त की है जब इनके घर में ना रेडियो था और टेलीविजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस जमाने में टीवी होता ही नहीं था। घर के बाहर कभी मौका मिलता तो ये रेडियो सुनती और उन गानों को फिर प्रैक्टिस करती। एक बार इनकी माँ ने इन्हें गाते सुना और वो समझ गई कि बेटी में बड़ा हुनर है, लिहाजा इसे कर्नाटक संगीत की बेसिक ट्रेनिंग दी जाए। ठीक वैसा ही हुआ। धीरे धीरे शारदा की आवाज ख्याति प्राप्त करने लगी। अक्सर बड़े बड़े पब्लिक फंक्शंस में ये गाने गाया करती थीं। एक ऐसे ही फंक्शन में महान फिल्म मेकर राज कपूर ने इन्हें सुना और कहा कि तुम बंबई क्यों नहीं आती, वहां आओ और आर के स्टूडियो में वॉइस टेस्ट दो। ये बंबई पहुंची, आर के स्टूडियो में इन्होंने माइक के सामने टेस्ट दिया। राज कपूर साहब के पूरे परिवार ने इनकी आवाज सुनी और पसंद की। ठीक था, कोशिश करो जब तुम स्टेज पर पहुंचो तो अपने आप को भूल जाओ। और तब राज साहब ने कहा कि जाओ शंकर जयकिशन के पास, वो मेरे संगीतकार हैं, बाकी की बातें वो तुम्हें समझाएंगे। शंकर जयकिशन ने शारदा के लिए एक गुरुजी का प्रबंध किया। गुरुजी ने इन्हें ट्रेनिंग दी और इनकी शुरुआत शंकर जयकिशन के साथ ही हुई। वो और बात है कि राज कपूर के बैनर के तले बनने वाली फिल्म से इनकी शुरुआत होनी थी, राज साहब बहुत ज्यादा व्यस्त थे, लिहाजा दूसरे बैनर के साथ इन्होंने शुरुआत की। तितली उड़ी, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, इन गानों को कौन भूल सकता है। फिल्मफेयर अवार्ड्स में एक रीत ऐसी थी कि मेल प्लेबैक सिंगर और फीमेल प्लेबैक सिंगर की एक ही कैटेगरी थी, पर शारदा का गाया हुआ गाना तितली उड़ी इसने इतिहास रच दिया। रवि साहब ने उस साल बहारों फूल बरसाओ गाया था और जब वोट्स पड़े तो तितली उड़ी और बहारों फूल बरसाओ को बराबर के वोट्स मिले और तब शारदा ने फिल्मफेयर अवार्ड जीता। 1968 से लेकर 1971 तक शारदा को 4 साल लगातार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के नॉमिनेशन मिलते रहे। लता मंगेशकर और आशा भोसले के दौर में शारदा 2 मरतबा अवार्ड जीत गईं। शारदा ने यह बात भी कही कि अचानक फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें बॉयकॉट कर दिया। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर अच्छा खासा दबाव था शारदा के गाए हुए गाने फिल्मों से हटाए जाएं। फिल्म मेरा नाम जोकर से इनके 3 गाने हटाए गए, कल आज और कल से 1 गाना हटाया गया। हकीकत यह थी कि राज कपूर साहब ने इन्हें सिलेक्ट किया था और उन्होंने इनसे गाने भी रिकॉर्ड करवाए। बात यहां तक पहुंची कि शंकर जयकिशन के शंकर शारदा से प्रेम करने लगे थे। बड़ी उल जुलूल बातें भी प्रेस में छापी गईं। तभी यह बात कही गई थी कि प्यार अंधा होता है, ये तो सुना था, प्यार बहरा भी होता है, ये पहली बार सुन रहे हैं। शारदा ने रफी साहब के साथ भी कई गाने गाए जिनमें से शोला बदन जाने चमन एक यादगार गाना है। जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, शारदा ने बड़ी बड़ी हीरोइंस को अपनी आवाज दी, चाहे वो वैजयंती माला रहीं कि सायरा बानो, हेमा मालिनी रहीं कि शमला टैगोर, और बदलते वक्त में मुमताज और रेखा को भी इनकी आवाज का सहारा मिला। बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े संगीतकार उषा खन्ना, रवि, दत्ताराम, इकबाल कुरैशी, इनके साथ इन्होंने अच्छा खासा काम किया। पर फिल्म इंडस्ट्री की बेरुखी देखकर इनका भी मन खट्टा हो गया, इन्होंने भी गाना कम कर दिया। और बात है बाद में टेक्नोलॉजी के विस्तार ने इनके गाने पब्लिक तक पहुंचाए। सबसे ज्यादा काम इन्होंने शंकर जयकिशन के साथ जरूर किया, पर स्टेज शोज ने इन्हें खासी मकबूलियत हासिल करवाई। ये वो गायिका रहीं जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर की दिग्गज हस्तियों से लोहा लिया। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए
सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।